आगे बढ़ते हैं बात अब गोल्ड की, और गोल्ड की कीमतों में गिरावट आ गई है, करीब 200 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। और आपको बता दें कि कल जब ब्रसेल्स में आतंकी हमले की खबर आई तो उसके बाद गोल्ड कीमतों में जोरदार तेजी आई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई थी। बाजार के जानकारों का ये मानना था कि इससे यूरोप में तनाव और बढ़ सकता है, और तनाव के दौरान गोल्ड में एक सेफ हैवन बाइंग देखने को मिलती है हितेश, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई, बाजार प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। क्या आपको लगता है कि ये गिरावट और बढ़ने वाली है, और 28,500 का टारगेट आप देख रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में? देखिए, हमने कई बार देखा कि जो जियोपॉलिटिकल शॉक से अपसाइड आता है वो ज्यादा शॉर्ट लेव ही रहता है, क्योंकि अनलेस मार्केट्स परसीव्ड इज एज अ कैटास्ट्रोफिक इंप्लीकेशन कुछ ऐसा हो तो ही तेजी मेंटेन रहती है, तो अदरवाइज इट इज शॉर्ट लिव्ड। पर गोल्ड में हमारा ये व्यू है कि जो ओवरऑल ब्रॉडर बुलिश मोमेंटम डेफिनेटली इंटैक्ट है, बट बिफोर द रिजम्पशन ऑफ सब्सटेंशियल गेन्स और द ब्रॉडर ट्रेजेक्ट्री, आई थिंक थोड़ा जो शॉर्ट टर्म में है एक कंसोलिडेशन चलेगा, एंड इन दैट प्रोसेस गोल्ड प्राइसेस कैन मूव एज लो एज 1210 और $1200 पर आउंस। तो बिफोर अ बिग अपसाइड आई थिंक वी सी सम correction happening, okay, and accordingly prefer to sell at the current levels. So MCX पे हम कुछ 28,900 पे बेचना prefer करेंगे आज के लिए। ठीक है किशोर, आपका कमेंट क्या होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबी छुट्टी शुरू हो रही है ईस्टर हॉलीडे फ्राइडे से, क्या आपको लगता है कि ऐसे में एक डल ट्रेड ही देखने को मिलेगा, और जो लोग यहाँ पर जिनका पोजिशन है ऑलरेडी हायर लेवल पे उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए गोल्ड में? बिल्कुल, आई थिंक हॉलीडेज को लेकर भी, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है, यहाँ पे 1,000-1,500 रुपए का वीकनेस भी देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग पोजीशंस में प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में तो एक बार आप शॉर्ट करके भी चल सकते हैं मेरे हिसाब से, वापस 1180-1190 डॉलर तक भी हम लोग मतलब 30-40 डॉलर का गिरावट देख सकते हैं, इंडिया में देखें तो 1,000-1,200 रुपए का डाउनसाइड देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इंट्राडे प्लेयर्स भी 29,120 का स्टॉप लॉस के साथ आज बिकवाली कर सकते हैं 25,550 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ठीक है।